बागबाड़ा के कतरास थाना परिसर से महज 50 मीटर की दूरी पर श्रीराम पेट्रोल पंप पर अज्ञात अपराधियों ने लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट कर ली। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह करीब 3 बजे लगभग 6 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले पेट्रोल पंप के बंद कार्यालय को कोई कारण बताकर आग्रह कर खुलवाया और फिर कर्मियों को चाकू के बल पर बंधक बनाकर कार्यालय में रखे 2.5 लाख रुपए ले उड़े। साथ ही पंप में लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर भी साथ ले गए। घटना की सूचना पर कतरास पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि मामले में कई सवाल भी खड़े होते दिख रहे हैं। पहला ये कि घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी अब तक लिखित शिकायत थाने में नहीं दी गई है, शायद इसलिए इस कांड में संदेहास्पद स्थिति होने के कारण पंप कर्मियों को भी पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई है। और एक गंभीर सवाल कतरास पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहा है, क्योंकि कतरास थाना अंतर्गत ही रात में एक कोयला व्यवसायी के घर पर बमबाजी जैसा घटना हुआ और चंद घंटे में भी थाने के समीप ही लूट की वारदात हो गई। कहीं ना कहीं कतरास पुलिस की मुस्तैदी के मापदंड को भी दर्शाता है।